नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बायो मेम्ब्रेन्स बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। बायो मेम्ब्रेन्स अर्थात जैविक कलाएं सामान्य संरचना के अंतर को हम कुछ बिंदुओं के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं, जिनमें है इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स इन विच मेम्ब्रेन रिपीट्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स अर्थात जैविक कला की परिभाषा। द बायो मेम्ब्रेन्स आर कंपोजिशन ऑफ एंडो मेम्ब्रेन्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ग्रुप्ड इनटू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड आर डिस्क्राइब्ड एज बायो मेम्ब्रेन्स। अर्थात अंतः जैविक कलाएं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत एक ग्रुप के रूप में रखा गया है, जिसे विस्तारित रूप में बायो मेम्ब्रेन्स या जैविक कलाएं कहते हैं। द बायो मेम्ब्रेन्स इंक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रेन्स अराउंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। अर्थात जैविक कलाओं के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स को सम्मिलित किया जाता है। नाउ केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स अर्थात स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, केमिकल कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा बायो मेम्ब्रेन्स। नाउ केमिकल कंपोजिशन, द बायो मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मुख्यतः प्रोटीन्स एंड लिपिड्स द्वारा निर्मित होती है और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। रासायनिक संरचना बायो मेम्ब्रेन्स। नाउ फर्स्ट केमिकल कंपोनेंट, दैट इज मेम्ब्रेन लिपिड्स। द बायो मेम्ब्रेन कंटेंस अबाउट 20-40% ऑफ लिपिड्स। बायो मेम्ब्रेन्स 20-40% लिपिड्स द्वारा निर्मित होती है। द लिपिड कंपोनेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। लिपिड कंपोनेंट्स में तीन प्रकार के पार्ट्स, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉर एग्जांपल लेसिथिन, सेरिन, सिफेलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। अदर एलिमेंट्स कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ फर्स्ट फॉस्फोलिपिड्स, दीज आर एसिमेट्रिकल इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स, असममित लंबे प्रकार के अणु होते हैं। दे आर एम्फीफेटिक, जो कि उभयधर्मी होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में दो प्रकार के स्ट्रक्चर, हाइड्रोफिलिक और पोलर एंड, इसके अतिरिक्त हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर एंड, दो प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर हैटिंग एंड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स एंड एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटाइडिल कॉलिन, फॉस्फेटाइडिल इथेनोअमीन, लेसिथिन, सेरिब्रोसाइड एंड स्फिंगोमाइलिन आर नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन बायो मेम्ब्रेन्स।
Second type, that is acidic phospholipids, for example, phosphatidyl inositol, phosphatidyl serine, phosphatidyl glycerol, cardiolipin and sulfolipids are acidic phospholipids. Now second, cholesterol. It is usually present in the tail of phospholipid molecule. Phospholipid molecule ki tail mein upasthit hota hai and provides rigidity to tails and mechanical stability to the lipid bilayer. Aur lipid bilayer ko yantrik sthayitva pradan karta hai aur tail ko dridhta pradan karta hai cholesterol. Third chemical, that is glycolipids. These are found only in the outer lipid layer. केवल बाहरी जो लिपिड की लेयर है उसमें ही प्रेजेंट होता है. दीज कैरी कार्बोहाइड्रेट चैन और कार्बोहाइड्रेट चैन को ले जाते हैं. अगर इनका कार्य देखा जाए तो लिपिड्स लेयर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा बायोमेम्ब्रेन्स. बायोमेम्ब्रेन्स का बाहरी कंकाल का निर्माण करते हैं. इट फॉर्म्स फ्लूइड मेम्ब्रेन. लिपिड लेयर फॉर्म्स परमेबिलिटी बैरियर टू आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सेल. कोशिका के अंदर आने वाले आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए यह परमेबिलिटी का कार्य भी करता है. नाउ सेकंड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स फ्रॉम मैन बल्क ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स. प्रोटीन्स बायोमेम्ब्रेन्स का मुख्य भाग बनाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 20-70%. बायोमेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो प्रकार के में इसको बांटा जा सकता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स और वी कैन से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बायलेयर प्रोजेक्टिंग आउट ऑन आइदर साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन के दोनों ओर निकली रहती हैं और लिपिड बायलेयर में चारों तरफ विस्तारित रूप से फैली रहती है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंगल पार्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज बायोटॉपिक प्रोटीन्स. मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स एंड पोरीन्स और बैरल प्रोटीन्स. दस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मोर देन 70% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इस प्रकार से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का 70% भाग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है. सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स और वी कैन से एक्सटेंसिव प्रोटीन. दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ लिपिड बायलेयर. लिपिड बायलेयर के दोनों तरफ अंतः व बाह्य रूप से यह विद्यमान होती है. आर लूजली कनेक्टेड टू इट आइदर बाई कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंट्रेक्शन. कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं. दे आर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल होते हैं. नाउ फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंटेन्स थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. तीन प्रकार के प्रोटीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो जिनके अलग अलग कार्य हैं. फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज परमेजेस एंजाइम्स. नाउ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फॉर्म बैकबोन ऑफ सेल बायोमेम्ब्रेन. सभी प्रकार की बायोमेम्ब्रेन की का बैकबोन का निर्माण स्ट्रक्चर प्रोटीन द्वारा होता है. एंजाइम्स आर कैटालिटिक प्रोटीन्स, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं. जबकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और वी कैन से परमेजेस सर्व फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उनके पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं परमिएजेस और वी कैन से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. नाउ थर्ड केमिकल स्ट्रक्चर,
और केमिकल एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. द कार्बोहाइड्रेट ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स आर हेक्सोज, हेक्सोज अमीन, फ्यूकोज एंड साइलिक एसिड. दीज आर बिलो 5% एंड आर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बायो मेम्ब्रेन. बायो मेम्ब्रेन्स का केवल 5% भाग ही कार्बोहाइड्रेट द्वारा बना हुआ था होता है. दे आर फाउंड इन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ये कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स विच इज अटैच टू प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट यदि प्रोटीन्स द्वारा अटैच हो तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं. और सेकेंड टाइप ग्लाइकोलिपिड्स अटैच टू लिपिड्स. यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड द्वारा अटैच हो तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं. ग्लाइको प्रोटीन्स दे बाइंड हॉर्मोन्स एंड सर्व टू सेंड ट्रांस मेम्ब्रेन मैसेज. ये हॉर्मोन्स को जोड़ते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन मैसेज को भेजने में सहायता प्रदान करते हैं. जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एम्फीपेटिक मॉलिक्यूल्स विथ लार्ज एंड हाईली हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट हेड्स. जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्फीफेटिक मतलब उभयधर्मी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं विथ लार्ज एंड हाईली हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट हेड, हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल हेड्स. नाउ अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स. सभी प्रकार की बायो मेम्ब्रेन्स का अल्ट्रास्ट्रक्चर या परासंरचना के आधार पर तीन पोर्शंस इसमें दिखाई देते हैं. द ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स और बायो मेम्ब्रेन्स हैव द सेम फंडामेंटल ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर सच एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम थिक एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम थिक एंड ए मिडिल पेल कलर्ड लिपिड बाय लेयर इंटर स्पेस बिटवीन द टू डेंस लेयर अबाउट 35 एंगस्ट्रॉम थिक. अर्थात सभी प्रकार की जैविक कलाएं ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर द्वारा निर्मित होती हैं जिसमें आउटर और इनर सरफेस प्रोटीन द्वारा निर्मित होती हैं जो कि 20-20 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं जबकि बीच में मिडिल लेयर जो है वो पेल कलर पीले रंग की लिपिड बाय लेयर होती है और लगभग 35 एंगस्ट्रॉम थिक संरचना होती है. जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है प्रोटीन लेयर आउटर प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम थिक मिडिल लेयर 35 एंगस्ट्रॉम थिक एंड इनर लेयर 20 एंगस्ट्रॉम थिक. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स. बायो मेम्ब्रेन्स का महत्व क्या है. थ्री फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन बायो मेम्ब्रेन्स. कंपार्टमेंटलाइजेशन, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. पहला जो महत्व है बायो मेम्ब्रेन्स का वह है कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्ट का निर्माण. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कंपार्टमेंटलाइज द साइटोसोल ऑफ द सेल. कोशिका का जो साइटोसोल है उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है. बिकॉज देर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस दीज मेम्ब्रेन. क्योंकि कुछ सब्सटेंस का कंटिन्यूस फ्लो होता है और जो इंफॉर्मेशन है वो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में संचारित होती है. इसलिए पहला जो कार्य है बायो मेम्ब्रेन्स का वो हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोसोल ऑफ द सेल. नाउ सेकेंड फंक्शन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, चयनित परिवहन. बायो मेम्ब्रेन्स एग्जिबिट सेलेक्टिव परमियबिलिटी. जो जैविक कलाएं हैं वो है सेलेक्टिव परमियबिलिटी या चयनात्मक पारगम्यता दर्शाते हैं. दीज आर डिफरेंशियली
permeable to different substances but are impermeable to others. ये विभिन्न प्रकार के विभेदित पारगम्यता कुछ यौगिकों के लिए दर्शाते हैं जबकि दूसरों के लिए ये इम्परमेबल या अपारगम्य होती है. दस बायोमेम्ब्रेन्स प्रोवाइड सेलेक्टिव एक्सचेंज बिटवीन कंपार्टमेंट. इस प्रकार बायोमेम्ब्रेन्स सेलेक्टिव एक्सचेंज चयनात्मक जो एक्सचेंज है वह कंपार्टमेंट के बीच में प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वह स्पेसिफिक मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट को असिस्ट करती हैं. थर्ड फंक्शन दैट इज डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विभेदन प्रकार का वितरण. बायोमेम्ब्रेन्स आर एबल टू मेंटेन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन इन द एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स एंड अलोंग देयर आइदर फेस. अर्थात जैविक कलाएं विभेदित प्रकार का वितरण मॉलिक्यूल्स के लिए और आयन के लिए जो संलग्न कंपार्टमेंट है उनमें और अलोंग देयर आइदर फेस आइदर फेस दैट इज सिस फेस और ट्रांस फेस. इस प्रकार बायोमेम्ब्रेन्स तीन प्रकार के कार्यों को संपादित करता है. कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोसोल ऑफ द सेल सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक्स.